हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप पॉलिटिकल। तो फिर मैं आज एक नया वीडियो के साथ शुरू करता हूँ। तो आज का वीडियो में मैं एक नोटिफिकेशन लेकर आया जो GST नोटिफिकेशन नंबर 10/2022। तो ये नोटिफिकेशन को 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया था। तो इससे पहले भी मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में बोले थे कि जब 47 GST काउंसिल मीटिंग हम लोग का जो ख़त्म हुआ था, तो उसी में ये एजेंडा भी था कि 2 करोड़ तक जिन लोगों का टर्नओवर है उन लोगों को एनुअल रिटर्न हम लोग जो फाइल करते हैं GST में वो फाइल करने का जरूरत नहीं है। तो ये जो मैंडेटरी नहीं है ये इस बार भी छूट दिया गया है। तो इसी के बारे में मैं आज इस वीडियो में बोल रहा हूँ। देखिए, इन एक्सेस ऑफ द पावर कन्फर्ड बाई द फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 44 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 12 ऑफ 2017, द कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हेयर बाई एग्जेम्प्ट द रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्न ओवर इन द फिनेंशियल ईयर 2021-22, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022, इज अप टू 2 करोड़ रुपीज फ्रॉम फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर द सेट फाइनेंशियल ईयर। तो जिन लोगों का एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ तक है, मतलब 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर में, उन लोगों को एनुअल रिटर्न फाइलिंग से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को हिट कर दीजिए कि दूसरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले आ जाए।